आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के शो ब्लैक एंड व्हाइट की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मुसलमान सबसे ज़्यादा उसको शेयर कर रहे हैं। सुधीर चौधरी की तारीफ भी की जा रही है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर तरावी की नमाज मुसलमान अदा कर रहे हैं। पंच वक्ता नमाज वहाँ अदा की जाती है, यानी पाँच वक्त की नमाज बाज़ाब्ता टाइम स्क्वायर पर अदा की जा रही है और पुलिस की मौजूदगी अदा की जा रही है। बाज़ाब्ता पुलिस की तरफ से सुरक्षा उनको मुहैया कराई जा रही है। टाइम स्क्वायर पर रमजान का शानदार एहतमाम किया गया है, यह सुधीर चौधरी दिखा रहे हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने यह नहीं बताया कि जहां पर उनका इंडिया टुडे का दफ्तर मौजूद है नोएडा में, उसी से चंद किलोमीटर के फासला पर एक और नोएडा की सोसाइटी थी जहां मुसलमान तरावी की नमाज अदा कर रहे थे। पांच वक्त की नमाज अदा करने के लिए सोसाइटी के हॉल में सोसाइटी मैनेजमेंट ने बाज़ाब्ता परमिशन दे दिया था, इसके बावजूद उनको नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, तरावी पढ़ने से रोक दिया गया। उस सोसाइटी में तमाम मजहबों की पूजा पाठ की जाती है, तमाम मजहब के मानने वालों को त्यौहार मनाने का राइट दिया जाता है, सब कुछ उस सोसाइटी में की जाती थी। जब मुसलमानों ने रमजान के मौके पर तरावी पढ़ने की इजाजत मांगी तो सोसाइटी ने इजाजत दे दिया, उसके बावजूद भी हिंदुओं को बजरंग दल के लोगों को एतराज हुआ और पुलिस को शिकायत पहुंची तो पुलिस ने भी मुसलमानों को नवेरा की सोसाइटी में तरावी की नमाज अदा करने से रोक दिया। सुधीर चौधरी ने अमेरिका की यह खबर तो दिखा दिया, हजारों किलोमीटर दूर की यह वीडियो उनको मिल गई और अपने चैनल पर उन्होंने बता दिया कि अमेरिका में रमजान का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। लेकिन नवेरा में, भारत में किस तरह रमजान मनाने वालों को, तरावी पढ़ने वालों को तरावी पढ़ने से रोका जा रहा है, उनको मजहबी आजादी नहीं दी जा रही है, ये सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में नहीं दिखाया, आखिर क्यों? सुधीर चौधरी से ये भी सवाल है कि मुरादाबाद में दिल्ली से 150 किलोमीटर के फासले पर जाकिर हुसैन अपने घर में तरावी की नमाज अदा कर रहे थे, उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे, तब कुछ लोगों को शिकायत हो गई कि अपने घर में कोई कैसे नमाज अदा करेगा, हमारी आस्था आहत होती है, और बिलाखिर उनको नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। उनमें से 10 लोगों को नोटिस भी इशू कर दिया गया था और इसको सुधीर चौधरी ने अपने शो में नहीं दिखाया कि अपने निजी घर में नमाज पढ़ने के बावजूद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, आखिर क्यों? अमेरिका में टाइम स्क्वायर पर नमाज अदा की जा रही है और वो एक पब्लिक प्लेस से लोगों का गुजर होता है, वहां हुजूम रहता है और उस पूरे हुजूम को कंट्रोल किया गया, पुलिस को लगाया गया कि इसको कोई नुकसान ना पहुंच सके, और भारत के मुरादाबाद में घर में नमाज पढ़ने की वजह से लोगों की आस्था हाथ होने लगी, उसको रोक दिया गया। लेकिन इस खबर को सुधीर चौधरी ने नहीं दिखाया, आखिर क्यों? मध्य प्रदेश के खंडवा में मस्जिद में नमाज अदा हो रही थी, तरावी की नमाज के दौरान उन पर हमला हो जाता है, उनको मारा पीटा जाता है और पुलिस उल्टे मुसलमानों को गिरफ्तार करती है, यह खबर सुधीर चौधरी नहीं दिखाते हैं, आखिर क्यों? इफ्तार के वक्त गुजरात के वडोदरा में मुसलमानों पर हमला हो जाता है, पुलिस एक एक घर में जाकर के छान मारती है, मुसलमानों को पकड़ के ले जाती है, यह खबर सुधीर चौधरी नहीं दिखाते। मस्जिदों पर पत्थर मारा जा रहा है, यह खबर सुधीर चौधरी नहीं दिखाते। टी राजा सिंह हैदराबाद में एक मस्जिद के सामने से गुजरते हुए अपनी यात्रा की गाड़ी को जबरदस्ती रुकवाता है, ड्राइवर को कहता है कि मस्जिद है यहां पर रोको, और फिर मस्जिद के सामने वो मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करता है, यह रिपोर्ट सुधीर चौधरी नहीं दिखाते, आखिर क्यों? और ऐसे कई सारे सवाल आते हैं, ऐसे कई सारे मामला हैं। जिस तरह अमरीका में रमजान का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है, बर्तानिया में रमजान का शानदार इस्तकबाल किया गया, कनाडा में रमजान का शानदार इस्तकबाल किया गया और दुनिया भर में किया जाता है, उसी तरह भारत में क्यों रमजान का शानदार इस्तकबाल नहीं किया जाता बल्कि तरावी पढ़ने वालों को तरावी पढ़ने से रोक दिया जाता है? मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है मुत्तहिदा अरब अमारात, वहां मंदिर नहीं थी, वहां की हुकूमत ने वहां मंदिर बना दिया है, अबू ज़हबी में भी मंदिर बना दिया है, लेकिन हिंदुस्तान में लोग अपने निजी घर में, अपनी निजी सोसाइटी में तरावी की नमाज पढ़ते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है, और ये सच सुधीर चौधरी नहीं दिखाते हैं, आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे दरख्वास्त है कि मिलर टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और मेरी ये अपील जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातहू। मिलर टाइम्स एक ऐसा मीडिया हाउस है जो चार जुबानों में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक आपकी उन खबरों को पहुँचाता है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है।
हुकूमत, सियासी पार्टियां और कॉरपोरेट घरानों से हम किसी तरह का कोई भी फंड नहीं लेते हैं ताकि हमारी आज़ादी बरकरार रहे। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500, 1000, 2000, 5000 या 10000 का तावुन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो इस साल का बजट पूरा हो जाएगा। साल 2023-24 का हमारा बजट है तकरीबन 65 लाख रुपए का। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया गया है, QR कोड के ज़रिए भी आप रकम भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और UPI नंबर भी मौजूद है। किसी भी तरह की जानकारी और इंक्वायरी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।